हेलो एंड वेलकम गाइस। सो जस्ट अभी मैंने सोचा कि ये व्लॉग रात का नाइट का ही क्यों नहीं बना देते हैं, तो ये मैं इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ। तो अभी देख रहे होगे आप, लाइट कम हो गई है, आगे आपको पता चलेगा कि लाइट ज़्यादा है, तब मैंने शूट किया था। तो चलिए आज आपको ब्लेच की नाइट दिखाता हूँ। मैंने देखा है सब डेरेक आते हैं, बट आज मैं आपको नाइट की फील दिलाता हूँ। देखो अगर आपको शहर की मस्त शहर की लाइटिंग मुझे भी बेस्ट ऑन बेस्ट लगती है, बट गांव की नाइट भी एकदम मस्त होती है यार। माना शहर की नाइट एकदम फर्स्ट क्लास, दिल को छू जाती है यार। मन तो करता है शहर में भी जाकर सो जाऊं, नाइट में खो जाऊं, बट गांव की नाइट को भी आज आप फील कर लीजिए, गांव में नाइट को एंजॉय कीजिए। तो आज अपन दो तीन ब्लॉग बना ही लिए हैं, आज मूड बन गया था बनाने का, तो ठीक है देखिए एंजॉय कीजिए। और क्या आगे गाइस, रात का व्यू भी देख ही लो भाई, गाँव का पारायण हो रही है अभी। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा, ये होता है 24 घंटे का, 24 घंटे तक एक ही नाम की जाप की जाती है, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सो यही व्यू है गांव का, वो दिख रहा है गांव, ये मंदिर है, इसमें चल रही है अपनी हरे राम हरे कृष्णा की पारायण। तो चलिए यही कुछ अपना रात का सीन है मंदिर का क्या गांव का यार। ये तुम्हारा भाई रहा, अभी तो अंधेरा हो चुका है, श्याम ढल गई है, बिल्कुल नीला बादल हुआ पड़ा है, इधर मक्के हैं। और अपन आए थे अभी रिकॉर्ड करने के लिए, सोचा कि ट्राई कर लेते हैं कि आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी, बट आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है तो नहीं कर पाएंगे भाई। तो चलिए फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, उसमें क्या एक दिन मिस कर देते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी है। तो मस्त है एकदम, अभी यहीं थोड़ा देर इसको यहीं इंजॉय करते हैं, फील करते हैं जो कुछ भी है नेचर के साथ, नेचर तो बहुत है भाई गांव में। तो चलिए सो गाइस जस्ट फील बॉयज, है ना इधर से हवा चल रही है मस्त, थोड़ा सा फील करना। सो पता नहीं कैसे आ रहा होगा, बट एकदम मस्त ठंडी हवा चल रही है और इधर से हरे राम हरे कृष्णा की धुन आ रही है, तो एकदम मस्त लग रहा है यार, कुछ मूड ही चेंज हो गया भैया, तो एक नंबर यार एक नंबर। ऊपर तो रेड हो रहा है बादल, क्या बात है, आधा तो कैमरा भी कर देता है, तो कोई नहीं। जस्ट अभी किधर गया दिख नहीं रहा, ये डेमड़ा है अपने, यहाँ पर बैठते हैं अभी थोड़ा देर, जिसके बाद अपन घर चलते हैं खाना पीना, जिसके बाद सोते हैं। डेटा पैक खत्म हो चुका है 2 GB, तो मोबाइल चलाने का है ही नहीं है, तो चलिए चलते हैं। तो ऊपर जो चढ़ चुके हैं और ऊपर का व्यू, ऊपर जस्ट सो जाओ भले यहीं, पापा पहले सोया करते थे यहाँ, जब ऐसे गेहूँ में रिलाई सिंचाई होती है तो तब जाकर यहाँ पर आकर सोया करते थे और पानी की सिंचाई किया करते थे खेतों की, तो जस्ट इसी के लिए है ये। और मस्त हवा चल रही थी, सो अभी लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों करने लगे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। ये गोलू बोल रहा है, विश्वकर्मा जी का गोलू है। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो नाइट का ब्लॉग दिखाते होंगे, बट अभी नाइट तो नहीं हुई, श्याम होती जा रही है, हो ही गई है, मतलब अंधेरा हो गया है। तो यही कुछ सीन होता है गांव में, अभी तो पारायण चल रही है गांव में, तो हरे राम हरे कृष्णा का जाप चल रहा है अभी। तो नाइट की तो बात ही अलग होती है भाई साहब, पास में सड़क चल रही है इधर अपनी, और पास में अपना गाँव है, और पास में ही क्या बताऊँ, पास में नहीं है भाई, ये तो बहुत ही दूर होगा, मतलब कैसा लग रहा है यार, जैसे कि एकदम मस्त यार एकदम मस्त। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ यार, नाइट ब्लेच की नाइट आपको कैसी लगती है, और ब्लेजर्स कौन कौन हैं, और क्या आपने कभी ब्लेज में नाइट गुजारी है, क्या रात रहे हैं आप, कमेंट में जरूर बताना नीचे। तो कैसी लग रही है आपको ब्लेज की नाइट लाइफ, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा यार, क्योंकि सोचा मैं बना देता हूँ ब्लॉग, उस पर क्या यार आप देखो नहीं देखो आपकी मर्ज़ी, बट मैं तो दिखाना चाहता हूँ, मुझको अंदर से आया कि बना देना चाहिए, कुछ दिखाना चाहिए, अच्छा
हो रहा है मुझे तो भाई, मेरी तो मत पूछो। और ये व्यू कैमरा में दिख रहा है, ये भी मस्त लग रहा है मेरे को तो। और मैं आज इतना क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाइट में तो आवाज़ ज़्यादा फैलती है, आपको पता होगा कि नाइट में अपन बोलते हैं तो आवाज़ ज़्यादा ही सुनाई देती है आदमी को, ज़्यादा चांस रहते हैं दूसरे को सुनने की। तो अभी तो अपनी पारायण की आवाज़ सबके पास जा रही है, तो सब वो सुन रहे होंगे क्योंकि अपनी वॉइस सुनने, अपनी वॉइस नहीं सुना रही किसी की, अपनी वॉइस किसी को नहीं सुना रही होगी, इसलिए अपन बोल रहे हैं और आपका ब्लॉग तैयार करते हैं आपको। और ये आप सुन लो, ची 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 भी आवाज़ सुना रही होगी नहीं, ये अपनी वीडियो का पूरा डिस्टर्ब कर देती है भाई। तो क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी दिखा दो भाई कोई कमेंट में। तो अपन अभी डैमरे से नीचे आ चुके हैं और शाम भी ढलती जा रही है, बट ये उजाला तो रहेगा अभी साइड में थोड़ा देर और। तो अभी चलते हैं अपन घर, थोड़ा देर और घूमते फिरते हैं। अभी सड़क पर थोड़ा सा टहलेंगे, सड़क पर भी एकदम मस्त लगता है क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा बाइक चलती नहीं है। तो इधर से उधर पास में गांव है, थोड़ा सा है, गांव में तो नहीं जाते हैं बट आसपास थोड़ा सा घूम लेते हैं। लिए फाइनली अब चलते हैं अपन सड़क पर, चलते हैं, आए थे गांव पर और इधर से कच्चे रास्ते से, अभी चलते हैं सड़क पर और घर, थोड़ा सा सड़क पर घूमते हैं फिरते हैं। पास में भाई मसान भी हैं, डर लगता हो तो मत देखना भाई, बट ब्लॉग में का डर लगेगा, पर अपने को आदत है, अपने को कुछ इसी नहीं है ऐसा। अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ पर कितनी घास है, घुटनों तक तोर बड़ी हुई है और इसमें बिना देखे ही चल रहे हैं। और नीचे से भले कोई भी कांड कर जाए तो क्या पता चलता है, बट अपने जूते हैं वो भी ब्लेजर्स वाले, खेतों वाले, तो सेफ्टी है उसमें, चप्पल्स नहीं है। और यही कारण है जूते पहनने का, आपने नोटिस भी किया होगा मैंने कई ब्लॉग्स में जूते भी पहन रखे हैं। तो इसीलिए भाई बरसात के टाइम पर तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जानवर होते हैं बरसात में अधिकतर चांस रहता है, क्योंकि ये झाड़ झड़ों के होते हैं तो मज़ा नहीं आता। चलिए भाई चलते हैं, हम ब्लॉगिंग करेंगे बंद अपन, तो शायद यहीं पर ही इसको स्टॉप कर देंगे, तो कोई नहीं क्योंकि पास में घर आ गया बाइक, तो कोई नहीं यहीं पर स्टॉप कर देंगे, तो बाय बाय, हो सके तो आगे शूट कर लेंगे। भाई गाड़ी तो फुल स्पीड में निकाल कर ले गया, पता नहीं कौन सी दवस में ले गया बंदा। तो कोई नहीं, अभी आ चुके अपन सड़क पर, तेज़ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि पास में एक भाई का घर है। तो जस्ट सड़क पर से घूम फिर के पहले इधर चलेंगे, जिसके बाद घर के रास्ते चलते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, यही नाइट का सीन था। तो वह बैठक के नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो भाई नाइट में सड़क पर चलना भी खतरे से खाली नहीं रहता है, क्योंकि एक बार की बात है बाइक पर दो तीन लोग थे, तो एक बंदा जा रहा था, वो भी गाड़ी से था, उसमें किसी चीज़ की वो उसमें मतलब कि देकर चले गए। तो क्योंकि इधर एरिया थोड़ा ऐसा ही है, तो लोग शराब मराब ज़्यादा पीते हैं, वो तो पूरा सब दूर पीते हैं, तो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं इस टाइम पर। तो सलाह दे जाएँ किसी चीज़ की तो क्या पता, सड़क पर इतना नहीं चलना चाहिए, बट अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, सॉरी यार इसके लिए। लेकिन क्यों डर कर चले भाई, क्यों, वाई, इंडिपेंडेंस नागरिक हैं अपन, आज़ाद, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक, तो वही चलेंगे अपन तो थके अपना, और सॉरी उस शब्द के लिए। सो फाइनली बाय बाय, आ चुके हैं गांव।